नमस्कार, आज का सेशन है स्टोरी ऑफ कोरोना, मींस कोरोना की कहानी। एक ऐसी बीमारी जो चाइना से चलकर लगभग पूरे दुनिया का सफर कर चुका है और पूरी दुनिया को अपना गुलाम भी बना चुका है। क्या हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि हम लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह जाएंगे और जो हमारा समाज मीन सोसाइटी अपने फैमिली को छोड़कर टूर एंड ट्रेवल और मजे और मस्ती की बातें किया करते थे, वो आज अपने ही घरों में कैद हो जाएंगे। और वो कैद एक जेल की तरह हो चुका है, मीन्स वे लोग घर में कैद होकर डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं। डिप्रेशन का कारण वे खुद हैं, क्योंकि वे अपने लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जी रहे थे, मीन्स अलग तरीके से जीने का कोशिश कर रहे थे। अचानक उनके लाइफ में भूचाल सा आ गया, सारे एक्टिविटी थम से गए। कोरोना के प्रभाव के बारे में यदि देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग सबसे पहले करियर के रूप में उभरे हैं, क्योंकि ये मानव जाति के द्वारा इसका प्रचार और प्रसार सबसे ज़्यादा होता है और मानव जाति ही चाइना से पूरे वर्ल्ड में इसका प्रसार किया है। कोरोना मानव जाति के लिए सबक है। हम लोग जब जब नेचर के साथ मीन्स प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए हैं, तब तक प्रकृति भी हमारे साथ खेल खेला है। हम लोग का जो खेल है वो तो प्राकृतिक झेल लेता है, लेकिन प्रकृति का खेल जो होता है वो हम लोग कभी नहीं झेल पाते हैं, और इसका जिम्मेवार केवल मानव जाति ही है। अभी देखा जाए तो कोरोना के जितने नुकसान हैं उससे ज़्यादा मानव जाति के लिए सबक भी है, और सबक को यदि सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो आगे चलकर बहुत सारा फायदा होगा हमारी दुनिया को। माना कि हमारे दुनिया की अर्थव्यवस्था लचर है, अभी उस नाजुक स्थिति में है जिसमें पूरी दुनिया सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन हमारे प्रकृति के लिए मीन्स हमारे प्रकृति को जीने का एक अलग मौका मिल रहा है जो बहुत दिनों से प्रकृति खोज रहा था। हालांकि पूरी दुनिया की मौज मस्ती खत्म हो गई हो, लेकिन लोगों को परिवार के साथ रहना सिखा रहा है। हम जानते हैं मनुष्यों में घूमने की आदत होती है, लेकिन कोरोना ने एक जगह रहना हमें सिखा दिया है, क्योंकि एक जगह स्थिर रहकर कुछ सोचने में या अच्छे तरीके से किसी चीज़ को समझने में बहुत आसानी होती है। तो कोरोना हमको नुकसान के साथ साथ एक अच्छे सबक भी दे रहा है। कोरोना के बारे में पूरी दुनिया जान चुका है कि केवल इसका एक ही इलाज है, वो है प्रिकॉशन। आप जितना प्रिकॉशन अपनाइएगा उतना इस बीमारी से अपने आप को बचाइएगा, और अपने आप को बचाकर आप अपने समाज को और अपने फैमिली को भी बचा सकते हैं। अभी भी देखा जाए तो अधिकतर लोग बिना मास्क का घूमते हैं, जो उनके साथ साथ उनके फैमिली के लिए भी और उनके समाज के लिए भी खतरनाक है। वो अपने लाइफ को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, लेकिन पूरे समाज को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो यदि आपको अपने फैमिली की और अपने समाज की चिंता है, तो अपने फैमिली और समाज की चिंता छोड़कर अपने आप की चिंता करें। यदि आप अपने आप में सिक्योर है तो आप अपने फैमिली को और अपने समाज को ठीक रख सकते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि WHO का जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग, उससे मेरा थॉट जो है थोड़ा अलग है। मेरा थॉट जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग, WHO का थॉट है समाज से दूरी बनाकर रखना, मेरा थॉट है फिजिकल डिस्टेंसिंग मीन्स शारीरिक दूरी, क्योंकि आप इसी समाज में पले बढ़े बढ़े हैं, आप इस समाज से दूर नहीं हो सकते। समाज से दूर तो नहीं हो सकते, लेकिन आप शारीरिक दूरी बनाकर रख सकते हैं, जिससे आप अपने आप की भी सुरक्षा कर सकते हैं और समाज की भी सुरक्षा कर सकते हैं। देखा जाए तो हम लोग अपने समाज की सुरक्षा, अपने फैमिली की सुरक्षा अपने आप से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। पहले आप अपना सुरक्षा करें। आज का हैशटैग वर्ड है स्वयं की रक्षा करें, समाज की रक्षा खुद हो जाएगी। मीन्स आप अपनी रक्षा करें, समाज और आपकी फैमिली की रक्षा खुद हो जाएगी। तो लास्ट में यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।